नमस्कार, बात पते के में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और मुद्दा है कि क्या कांग्रेस और आप में समझौता होगा? होगा, होगा, नहीं होगा, होगा। कुछ इसी तरह का हैंगओवर चल रहा था, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के यहाँ जो अंतिम बैठक हुई है उसमें दिल्ली प्रदेश में दो गुट बन गए हैं, एक शीला दीक्षित का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक पूर्व अध्यक्ष अजय माकन का। अजय माकन गुट इस बात का पक्षधर है कि हर हाल में समझौता होना चाहिए, और दूसरा शीला दीक्षित गुट का मानना है कि नहीं, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें उसे भारी नुकसान हो जाएगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि खुद केंद्रीय नेतृत्व का मानना ये है कि यदि समझौता नहीं हुआ तो फिर दिल्ली में बीजेपी की राह बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि किसी भी क्षण जो है कांग्रेस और आप में जो है समझौते का ऐलान हो सकता है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। विष्णु जी, सच तो सर यही है कि एक भी कांग्रेसी दिल से नहीं चाहता केजरीवाल के साथ वो समझौता करे, क्योंकि जैसे ही गठबंधन होगा कोई भी कांग्रेसी मेंटली तो ये तैयार हो रहे हैं, वो मेंटली तैयार किया जा रहा है, सर्वे कराया जा रहा है, वो फील्ड में जाने लायक उनके सर नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल को उन्होंने बहुत गालियां दी हैं, केजरीवाल ने उनके नेताओं को बहुत गालियां दी हैं और लगातार उनका वो रहता है। ऐसे में क्योंकि 7 सीट हैं दिल्ली की, तो ये लेकिन मजबूरी यही है कि बीजेपी जीत जानी है, क्योंकि जो आपने वोट परसेंटेज में बता देता हूँ एक बार, जो पिछली बार का वोट परसेंट है वो 46.4% था बीजेपी का, और जो कांग्रेस का था तो 32.9% था और 15.1% था आपका, तो कांग्रेस का, तो जो आपका था वो 32.9% था, तो दोनों का मिला के करीब 47% होता है, जो बीजेपी के जो वोट से 0.6 थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा है, यानी दोनों को मिलना ज़रूरी है। अब ये वोट उतना ही मिले और मोदी लहर भी उतनी कायम रहे और दोनों का आपस में वोट ट्रांसफ़र हो जाए, ये अलग बात है। ऐसे में जो सीट का बंटवारा 4-3 की बात आ रही है, तो पहले ये जो आ रहे थे सीट कौन कौन सी होंगी, मुझे लगता है कि आपका दावा जो है वो पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली की जो दोनों सीटें बेसिकली उत्तरी पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली और साउथ दिल्ली पे होना चाहिए, और जो कांग्रेस की बात आ रही है वो आ रही है कि साउथ नई दिल्ली लेंगे वो लोग, उत्तर पश्चिमी दिल्ली लेंगे और चांदनी चौक की सीट ये कांग्रेस ले सकती है, और जो बचेगी वो वेस्ट दिल्ली की सीट, जिसको लेकर कोई फॉर्मूला बनते ही मुझे लग रहा है वो ऐलान करेंगे। वेस्ट दिल्ली की सीट में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वेस्ट दिल्ली की सीट पर प्रवेश वर्मा 6,51,000 वोट से जीते थे पिछली बार, और वहाँ पर जो महाबल मिश्रा और जनरल सिंह थे, दोनों आप और कांग्रेस के कैंडिडेट दोनों मिलाकर इतने वोट नहीं ला पाए थे कि प्रवेश वर्मा को टक्कर दे सकें। तीन तरह के फार्मूले की बात हो रही है, एक बात हो रही है 3-3-1, एक बात हो रही है कि 5-2, और एक बात हो रही है 4-3। ये मान लीजिए कि 4-3 जो है वो शायद एक लग सकता है, 5-2 तो कोई भी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। तो 4-3 पे यदि ये लोग सहमत होते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस इस तरह की आ रही है, सिर्फ अकेले दिल्ली में समझौता नहीं होगा, फिर दिल्ली के साथ हरियाणा और पंजाब भी समझौता, ये भी है, और उसके एवज में फिर जो है कांग्रेस आप जैसे पंजाब में 13 सीटें हैं तो कांग्रेस जो है 10 सीटों पे लड़ेगी और शायद आपको 3 देने की बात है। ठीक इसी तरह से हरियाणा में है, हरियाणा में 10 सीटें हैं जिसमें से कांग्रेस 8 पे लड़ेगी, फिर 2 देने की बात है। कुछ दिल्ली में जो फायदा है वो आपको मिले, हाँ, और बाकी जगह, बाकी जगह पे स्वाभाविक है कि ये कहेंगे कि हरियाणा और पंजाब में हम ज़्यादा मजबूत हैं, पंजाब में इनकी सरकार है, हरियाणा में पहले सरकार रही है, तो ये सब बातें आ रही है। अब दिल्ली वाले पे ज़्यादा नज़र सबकी इसलिए रहती है क्योंकि जो गठबंधन के और दल हैं यानी कि जिसको यूपी हम बोल सकते हैं, उनका इस बात के लिए दबाव है कांग्रेस पे कि आप के साथ आप समझौता कीजिए, नहीं तो फिर जो है चुनाव लड़ने में देश भर में दिक्कत हो जाएगी। तो ये कुछ इस परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि कांग्रेस और आप में समझौता हो जाएगा, जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है। देखें आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।